तो आज हम देख रहे हैं कि स्टॉप वॉच किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक डॉट नेट पर बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिया है, उस फॉर्म के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है स्टॉप वॉच। फिर हमने एक लेबल बनाया है, उस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी उस पर लिखा है हमने स्टॉप वॉच, वही एलसीडी का काम भी वही करेगी। और इसकी हमने जो लेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है और बॉर्डर स्टाइल इसके फिक्स 3D किए हैं, अगर हम चेंज करना चाहें फिक्स सिंगल भी कर सकते हैं, फिक्स 3D कर दिया हमने और कलर्स को चेंज कर दिया बैक कलर्स का। एक बटन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है बटन स्टार्ट, दूसरा बनाया है स्टॉप, तीसरा बनाया है रीसेट, जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे लिखा है रीसेट वाले पे हमने रीसेट, उस पर स्टॉप और उस पर स्टार्ट। ये जो है स्टार्ट स्टॉप का काम करेगा, देखते हैं कैसे काम कर रही है। हमने क्लिक किया, ये स्टार्ट है, ये हमने इसको स्टॉप किया, ये स्टार्ट किया, ये रीसेट किया, ठीक, क्लोज कर दिया। कोड करने के लिए सबसे पहले हम पहले वाले बटन पर क्लिक करते हैं, बटन स्टार्ट पर। तो यहाँ पर हमने जर्नल डेकोरेशन एरिया पर एक टाइमर सेट करना है। अच्छा, अब टाइमर क्या होता है बेसिकली, ये टाइमर के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइमर एक ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ से ऐड कराया। कहाँ से ऐड कराएंगे, ऑल कंपोनेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा टाइमर, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ ऐड हो जाएगा। टाइमर एक फंक्शन की तरह काम करता है जो ऑलवेज परफॉर्म करता रहता है, यानी कि लूप वाला काम है इसका। टाइमर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम, जिसमें आप उसका एक नेम रख सकते हैं। दूसरी है इसकी प्रॉपर्टी इनेबल, मतलब इनेबल, अगर आप उसको ट्रू करेंगे तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को रन करेंगे टाइमर परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको फॉल्स रखेंगे तो टाइमर खुद से परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि हम इसको इनेबल ना कर दें। दूसरा इंटरवेल, इंटरवेल कहते हैं वक्फे को, मतलब अगर टाइमर चल रहा है तो वो बीच में कितना कितना वक्फा ले, मतलब ये है कि जैसे घड़ी का काटा है तो वो एक एक सेकंड से आगे बढ़ता है, तो उसका एक एक सेकंड जो है बीच का इंटरवेल है। टाइमर का इंटरवेल हम क्या रखेंगे, अगर हम 1 सेकंड रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1000, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइमर 1 सेकेंड के बाद परफॉर्म करेगा, मतलब जो भी इसके अंदर एक्शन लिखा होगा वो परफॉर्म करने के बाद 1 सेकेंड का गैप लेगा, फिर दोबारा परफॉर्म करेगा। अब अगर हम उसको कम करके ले आएंगे 10 पर, तो यानी कि सेकेंड का तीसरा हिस्सा हो गया ये, तो 1 सेकेंड में ये 3 बार परफॉर्म करेगा, सही। अब क्या करेंगे हम, यहां से जाएंगे हम, इसका नाम है टाइमर वन, नाम चेंज नहीं किया, स्टार्ट बटन में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन में सिर्फ ये लिखना है स्टार्ट टाइम, ठीक है। अब ये स्टार्ट टाइम कहां से आ रहा है, ये हमने यहां पर एक प्राइवेट करके लिया है, प्राइवेट स्टार्ट टाइम एज डेड टाइम, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने जिसका नाम रखा है स्टार्ट टाइम, और उसकी जो ऑब्जेक्ट की टाइप है वो डेट टाइम रख दी है। फिर हमने क्या किया है, टाइमर पे डबल क्लिक करेंगे तो टाइमर का प्राइवेट प्रोसीजर खुल जाएगा, जिसमें हमने लिखा है टाइम, एक और ऑब्जेक्ट लिया है एलेप्स टाइम के नाम से, और उसको हमने किया है एज टाइम स्पेन, बराबर कर दिया उसके अंदर असाइन कर दिया हमने जो भी डेट टाइम है और करंट जो डेट टाइम होगा उसमें से माइनस कर दिया है स्टार्ट टाइम को, मतलब जिस टाइम पर भी वो स्टार्ट होगा टाइमर, जो करंट टाइम होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा और जो जवाब आएगा वो इसमें आगे स्टोर हो जाएगा। फिर डिम करके फॉर्मेटेड टाइम नाम का एक और ऑब्जेक्ट लिया है, जिसमें हमने एज स्ट्रिंग कर दिया है और उसका फॉर्मेट हमने ये रखा है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, जिसमें ये पहले हमने मिनट्स सेकेंड्स मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स को फॉर्मेट दिया है, 0:D2, 1:D2, 2:D2 और 3:D3। उसके बाद एलिप्स टाइम को हमने ये जो फॉर्मेट है, तो पहले वाले फॉर्मेट में आएंगे आवर्स, दूसरे फॉर्मेट में मिनट्स सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स परफॉर्म होंगे। फिर लेवल डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, जो कि हमने इसका नाम रखा है लेवल डिस्प्ले, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमने लिखा है डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट टाइम। अब फॉर्मेटेड टाइम में जो हमने यहाँ फॉर्मेट डिसाइड किया है उसके हिसाब से वो हमें टाइम इसके ऊपर डिस्प्ले करता रहेगा, और ये टाइमर चलता रहेगा कितनी इस पे सेकेंड के तीसरे हिस्से की स्पीड से, और इस पे वो फॉर्मेट दिखाता रहेगा।
सिर्फ बटन स्टार्ट क्या काम करेगा, टाइमर को करंट टाइम से स्टार्ट कर देगा और टाइमर वन को स्टार्ट कर देगा। टाइमर को स्टार्ट इस तरह से करते हैं और उसके अंदर करंट डेट और टाइम की वैल्यू को स्टोर कर देगा। स्टॉप क्या करेगा, बटन स्टॉप टाइमर को खाली स्टॉप करेगा। और बटन रीसेट क्या करेगा, टाइमर को स्टॉप भी करेगा और लेबल डिस्प्ले पे 00000 लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे हमें लगेगा कि वो क्या हो गया, रीसेट हो गया। तो इस तरह से ये एक टाइमर काम कर रहा है, स्टार्ट है। अच्छा, अब ये खुद से क्यों चल रहा है? खुद से इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने टाइमर को क्या कर रखा है, यहाँ से एनेबल कर रखा है। मतलब जब भी टाइमर को रन करेंगे तो ये खुद से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से डिसेबल कर दें, फॉल्स, तो अब ये खुद से नहीं चलेगा। स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप, स्टार्ट, रीसेट, ठीक है। इस तरह से ये टाइमर हमारा काम करेगा, एक छोटा सा गैजेट बन गया है जो ऑटोमेटिकली चीजों को परफॉर्म कर रहा है, सही।